तारा बाप कहानी दोस्त तो मैं करता हूँ। चला ना सब कुछ ना पापा जी, इसका परिणाम होगा और बहुत ही बुरा, लोगों के हाथ मल मल के पछताओगी। जमाना नहीं जल की ठंडी ठंडी नहीं चावल चाने चलिया अपनी शक्ति चला चांद के तुम्हारे साथ आज ऐसा घिनौना कर्म करूंगा, क्योंकि परसों से तेरी याद मेरे दिल में नासूर बन गई है। क्यों? आज तो और चाचा जी क्या दलील है इस लड़की के साथ, चाचा जी क्या दलील है और इस लड़की के साथ, और ऐसा करके अरे चाचा जी ये तो आपकी बहू होने वाली है, तुम्हें शर्म नहीं आती? विक्रम हाँ चले जाओ तुम यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ। पालन तो अवश्य करूंगा, मैं जा रहा हूं। ए बिजली यहां से केवल तू जाएगा, ये बिजली नहीं जाएगी। लेकिन बिजली क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। चाचा जी अगर विक्रम यहां से जाएगा तो बिजली साथ में जाएगी, साथ जाएगी। पागल पल में अपने होश को खो बैठे, चले जाओ यहां से। इसके मतलब अपने होश को खो करके अपने बेटे के ऊपर गोली चला सकते? भूल जाऊंगा तुझे मैं। चाचा जी कहो अगर तुम बिजली के लिए अपने बेटे को भूल जाओगे तो यही बेटा बिजली के लिए अपने बाप को भूल जाएगा, और बिजली को ले जाने से इस उस्मैलपुर ग्राम सभा में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, और हमें धमकाने की कोशिश मत करना, ये समझ लो। आज विक्रम तुम्हारी बात पे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इस उस्मैलपुर बस्ती में किसी के मां ने किसी ने अपना बच्चा नहीं जन्मा है पिलौटी के हाथ लगा सके। चाचा जी लेकिन विक्रम हाँ एक बात हमरे भी कान खोल कर सुन ले, बात आज पर बस्ती में
किसी माइक के लाल की दम नहीं है जो इस बिजली को मेरे हाथों से चाची हटाओ गाने की कोशिश मत करना ये समझ लो और मैं कहता हूँ हाथ मत लगाना बिजली के हाथ अच्छा नहीं किया हम जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं पीछे से राइफल लगा के अच्छा नहीं किया डांसिंग ये तो सुनी तुझे बहुत में जान बचा के भाग जा भाग जा बिजली यहां से भाग बिजली भाग भाग बिजली भाग भाग ना भाग आज यही बिजली बिल्ली बल के ही म्याव करेगी अगर मैं अपनी नाल ऊंचे नहीं करता ना करो इसके बदल के सारे कपड़े उतार दो और जकड़ दो रस्से में हार के नीचे जो कि सबसे बड़ा दुश्मन ये विक्रम है हम लोगों का सच कहते हो मैं दोस्त आज मौके पे आकर तूने बहुत बड़ा एहसान किया है दुनिया के पत्थर को मैं इसके पास नहीं सुनना चाहता हूं किसी मां ने अपने बेटे को जन्म नहीं दिया है जो इस बिजली के हाथ लगा सके आज तेरे ही सामने इस चुड़ैल को हम नंगा करेंगे और तू ऐसा रहेगा और हम इसका माथे पर ऐसा कलंक लगाएंगे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी चाचा जी नौकरो इसे पीटते रहो तब तक मैं इस देवी की पूजा करने जा रहा हूं ने दिया है क्यों नाग सिंह ये विक्रम कह रहा था कि किसी मां ने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया है जो बिजली को हाथ लगा सके मारो ताकि सारा चमड़ा इस मारने से कोई फायदा नहीं उठेगा क्यों क्योंकि बिजली के साथ में गंदा काम किसने किया है किसने किया है विक्रम ने विक्रम ने आज
तुमने ये काम करके अच्छा नहीं किया। और ये भी कह रहे कि बिजली के साथ में रेक बिक्रम ने किया। फिर किसने किया है चाचा जी? बिजली के साथ में गलत काम आप लोगों ने किया। उल्लू के पट्टे यानी तो अपना बाप है। बिजली का रेप किसने किया है चाचा जी? और जला लो चाचा जी सुन रहा। और जला लो चूल के हंडल अभी भी तूने किया है नहीं किया चाचा जी? क्यों ना मेरे शरीर के एक एक टुकड़े बिछा दो, लेकिन टिक्के में अपनी जुबान से कभी नहीं कबूल करेगा। नाग सिंह एक काम करो, जाओ पश्चिम की तरफ जाओ, वो क्या नाम है उनका अंधेरी अंधेरा जो साले हैं, शांति और वो शाला जनवा, जाओ उन्हें गोली मार दो। नाम सिखे लो, लेकिन चाचा जी उन गरीब बिचारों को क्यों मरवाओगे? बिक्रम अगर तू उनकी जान बचाना चाहता है तो बिजली का रेप तुझे अपने जुबान से कबूल ना करना होगा। लेकिन चाचा जी उसका रेप तो आप लोगों ने किया। हम लोगों ने किया है। नाग सिंह जाओ। ठहरो नाग सिंह ठहरो। देख बिक्रम तो महीने दो महीने छोटा आएगा, उन बिचारों के बेवजह जान चली जाएगी, इसलिए तुझे रेप कबूल करना होगा। चाचा जी हाँ। मैं अपने जीते जी अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी गरीब के ऊपर आज नहीं आने दूंगा। बहुत भोला है विक्रम, बहुत भोला। उन बिचारे गरीब को मत मारना और मैं बिजली का रेप अपने सर पे कबूल कर लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, बोले जब यहाँ पुलिस वाले आएंगे हाँ। तुमसे पूछेंगे तो क्या कहोगे? जो आप कहेंगे उल्लू का पट्टे हम कहेंगे, यानी रेप किया है तूने, और हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेगा? ठीक है दादा जी, अगर यहाँ पे सूट आ जाएगा तो उससे अपनी जुबान से कह दूंगा कि बिजली के साथ रेप। जाओ ठहरो ठहरो ठहरो। नौकर हर गांव थाने का फोन लगाओ और देख कोई नया पुलिस वाला आया है उसे कहो कि तुम्हें प्रधान अजमत खान ने याद किया है। हेलो हाँ साहब, हाँ हम प्रधान जी के सेक्रेटरी बोल रहे हैं। हाँ यहाँ तो नहीं चले आओ, खून हुईगा। हाँ आए रे, आ जाओ। Thank you.
नहीं पता जी कौन सा सरकार पड़ेगा जो हमारे पास फूट कर दिया। कुछ ऐसा ही काम पड़ गया, इसीलिए मैंने कानून वालों का सहारा लिया। वही तो हम जाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा काम पड़ा है जो हमारे पास तुमने फूट दिया है। जरा पीछे नजर डालो, ये हमारे साहबजादे खड़े हुए हैं। आपका बेटा? बुझो इन्होंने रखे किया है। इसने ऐसा कौन सा कसूर किया है जो बस्ती में एक लड़की भोली भाली थी, बस्ती में एक भोली भाली लड़की थी, उसका इस उल्लू के पट्टे ने रेप किया है। वो लड़की लाचारे बेचारी कहां आत्महत्या कर लिया है उसे कोई पता नहीं है। क्या अगर ये कहता तो मैं हजारों लड़कियों की लाइन लगा देता, लेकिन ये उल्लू के पट्टे ने आज हमारे माथे पे ऐसा कलंक लगा है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं। पूछो उसे क्यों किया ऐसा है। हवलदार इसे धक्के से खोल करके लाओ। क्या रहा है? बोल। एक भोली भाली लड़की के साथ में ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। गलती? अबे हराम कर दिया गलती। हवलदार हंडा लेकर आओ, मुझे माफ कर दो साहब। क्या कह रहे? हेलो हेलो, मेला कमेटी की तरफ से आदेश आया है, आप लोग भाई बैठ जाओ। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, इतनी जगह पड़ी है, आप लोग बैठ जाओ। बहनी जी की हो रही तुम हूँ, बैठ जाओ। तनिक देर आए धर्म चाय नहीं सर जाए रही, बैठ जाओ। 10 मिनट बैठ जाओ तुम लोग, भैया लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाथ जोड़ के बैठ जाओ थोड़ी देर। क्यों हरा कर दिया इसे? तो गलत काम किया। दूसरे साला कहता गलती हो गई है, हम तेरी गलती को माफ कर दे। तो माफ कर दो मुझे, भूल भारी हुई। भूल कर ऐसी गलती करूंगा इसलिए माफ कर। छोड़ती थे मुझे जान कर ऐसी गलती। वो कौन सी लड़की है? इंस्पेक्टर साहब के साथ में हरा जाता हम विक्रम को बेदर्दी से पीट रहे हो। इसका एक इसके अंग पे लगा एक हर एक चाबुक हमारे कलेजे में चुभ रहा है। और हम अच्छी तरह जानते हैं मजबूर हूँ क्यों केस रहे ऐसा घिनौना कर्म किया है। ये मर गया मेरे लिए और मैं इसके लिए मर गया। ले जाओ उसे, चला दो फांसी पर। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो दे देना इसे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। प्रधान जी हमें जाना चाहते हैं। उस लड़की का क्या नाम है? किसकी लड़की? उस लड़की का नाम सुनोगे इंस्पेक्टर साहब तो आपका कलेजा फट जाएगा। मुझे बताने में सब लगता है, बस्ती में एक बेसहारा औरत जिसका नाम शांति था, उसी की बेटी बिजली जिसका देवी जैसा रूप था, लेकिन इस उल्लू के पट्टे ने उसे बाता का फुचला करके उसको बेदर्दी से ऐसा कलंक लगा दिया है। वो बेचारी न जाने कहां मर गई है, उसका कोई पता नहीं है। तो हरा जगह बिजली के साथ मरे क्या? बिजली के साथ क्या हो रहा विक्रम? हरा जाता है तुझे यह नहीं पता है वो बिजली हमारी कौन है? कौन है साहब? वो बिजली हमारी बहन है। हरा आ गया हमारे भाई साहब देवालाल मास्टर, ये 10 रुपए दिए हैं और वो कह रहे हैं अगर बेगुनाह हो तो बेगुनाही मालूम हो जाएगी,
और यहाँ जिंद बाबा के मजार पे सच्चाई खुल जाएगी। मैं इसके सूरज नहीं देखना चाहता, ले जाओ इसे, लगा दो साले खाते भटकड़ी और नहीं करेगा। तेरी कैसी लीला है बालक, जो इंसान कुछ नहीं किया उसके ऊपर झूठा इल्जाम। जमाले और भगवान तुम्हारी या बालक। और भगवान तुम्हारी और दुनिया में तू भक्त सताए जाते हैं। और तब पलक ये साला बिजली का रेट कबूल नहीं करेगा, तब तलक मैं इसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। सुन्नू के पट्टे को उल्टा टांग दो, गरम करके पानी डालो, अगर ना कबूल करे तो साले को करंट लगा दो। आप क्यों परेशान होते हो? हाँ इसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, जाओ। नहीं साला कबूल करेगा उल्टा करके पट्टा थोड़ा, नहीं तो साले को मैं करंट लगा दूंगा। जाओ इंस्पेक्टर जाओ, अजमत खान नाम है मेरा। बेकाम अलग तुझे नहीं मालूम है कि सितम वो शीश पर डालूंगा, सितम वो शीश पर डालूंगा, परेशानी ही परेशानी हो अरे मारूंगा वो जगह जहां पोता। तूने बिजली के साथ ऐसा अन्याय किया है, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। या विक्रम, डाक विक्रम, तेरा बिजली के साथ क्या अन्याय हुआ है? डाक सिंह अमजद खान, खुद का मेरे साथ में ऐसा अन्याय नहीं करना ठीक था। तुझे क्या मिला मुझको? सिंह अब चल तारिया माता की पत्नी थे तो एक बूंद पानी नहीं नसीब होगा। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद कर लेंगे। मेरे साथियों,
और 20 दिन के बाद इस दरिया को पार करके उस दरिया के पार फिर चलना है। क्यों नहीं? क्योंकि वह मादर चौध उस पर तरफ चलकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। साथियों बोलो, पढ़ाओ पैगाम, उस दरिया के पार चलते हैं। तो देर किस बात की? चलो मेरे साथियों, ये कौन लड़की है जो इस दरिया के किनारे आकर के एकदम से बेहोश हो गई है? अरे पहाड़ी, इसके हाथ और पैर रगड़ और इसके शरीर में गर्मी आ जाए, इसे होश में लाओ। अरे साले उल्लू के पट्टे, ये तो लग रही बहुत गर्दिश की मारी है। सच कहते हैं मेरे साथियों, ऐ लड़की आगे बढ़ो। दादाजी मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो तुम लूटना चाहते हो। आपके पास कुछ लूटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो सरदार जी? और ऐ बेटी, तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? और किसकी तुम हो लाडली, कहाँ तुम्हारा सरदार जी? आपका क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? मैं उस मेलपुर की रहने वाली हूँ, शांति की लड़की। मेरा नाम बिजली है, मगर मेरी इज्जत लूटने वाले अबजद खान प्रधान और उसका साथी ठाकुर नंग सिंह मेरी इज्जत लूट कर कई जंगल में फेंकवा दिया है सरदार जी। मैं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं चलना भी मुझसे नहीं आता, मैं इसी जंगल में मर जाऊंगी सरदार। ठीक है, तो मरेगी नहीं, चल मैं अपने साथियों के साथ तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। सरदार जी मेरे दुश्मनों ने जब लूट करके नीलाम कर दिया है, मैं अपने गांव ये मजदूर चारा नहीं दिखाने जाऊंगी। क्या? मैं तरफ तरफ कई जंगल में जान दे दूंगी, मगर अपने गांव कभी नहीं जाऊंगी। उस मेलपुर तुम अपने गांव वापस नहीं जाओगी? नहीं। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त? बहन और चुप रहो, दुख भरने गीत ना गाओ और ना हक रो रो नैनों से नीर पाओ। सरदार जी, सरदार जी बोलो क्या कहना चाहते हैं? मुसीबत की ये मारी है तुम्हारे पास आई है, समझ गया ये लड़की मुसीबत की मारी है। हाँ। लेकिन
ये जोगा सिंह इतना निर्दयी इंसान नहीं है जो भी इंसान इस जो